राजनांदगांव जिले के सतनाम भवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सोमवार को 33 जोड़ों का विवाह कराया गया। बता दें कि सामूहिक विवाह का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कराया गया, जिसमें 33 जोड़ों में से 3 बौद्ध जोड़े भी शामिल थे। वहीं इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिले की महापौर हेमा देशमुख विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि विवाह में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और एक गरीब आदमी के लिए विवाह बहुत बड़ा भार होता है। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना का लाभ एक गरीब आदमी को मिल रहा है तो आडंबर भी नहीं होगा और गरीब को लाभ भी मिल जाएगा। इसी क्रम में महिला बाल विकास विभाग की रीना ठाकुर ने कहा कि हमें 30 जोड़ों का लक्ष्य दिया गया था, जबकि हम लक्ष्य से ऊपर मुख्यमंत्री कन्या ध्यान योजना के अंतर्गत 33 जोड़ों की शादी करा रहे हैं और प्रत्येक जोड़ों को बर्तन, गृहस्थी का सामान समेत 21,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है। राजनांदगांव से भूलेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज महिला बाल विकास विभाग राजनांदगांव शहर के द्वारा सतनाम भवन में कुल 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है, जिसमें से 3 बौद्ध जोड़े हैं और शेष हिंदू रीति से विवाह संपन्न हो रहा है। अभी हमने बारात निकाली थी, बारात के बाद अभी विवाह शुभारंभ हो चुका है और इसके पश्चात यहाँ पर विवाह के बाद जोड़ों को उपहार सामग्री भी दी जाएगी और जो जोड़े तैयार हुए हैं उसमें भी जो शासन के द्वारा 50,000 की राशि का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास के द्वारा 15 जोड़े का विवाह कराया जा रहा है। सरकार की योजना है जिसका लाभ पूरा परिवार उठा रहा है, इसमें से 3 जोड़े बौद्ध समाज से भी है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पहले भी चल रही थी ये योजना, पूर्व में 25,000 की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो थे पूर्व के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको 50,000 कर दिया था और ये 50,000 अभी लगातार सतत जारी है।